वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु नुपुर शर्मा के साथ है, कल्पना करिए उस दृश्य का जब 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेंगे। यदि ये सही आकलन खुद ना कर पाओ तो इतिहास पढ़ लेना है। ये ट्वीट किया है हर्षा पटेल ने और इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी डाली गई है। जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। नागा साधु 18 लाख नागा साधु सड़क पर उतरेगा और पूरी संत समाज सड़क पर उतरेगी, माहौल क्या होगा इस चीज को आप अनुभव कर सकते हो। दरअसल पतालपुरी मठ के प्रमुख महंत बालकदास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में उन्हें ये कहता हुए साफ सुना जा सकता है कि यदि इस्लामवादियों ने बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो साधु समाज शांत नहीं बैठेगा। ये वीडियो 11 जून को काशी में हुई धर्म परिषद का है। धर्म परिषद का आयोजन वाराणसी के हर तीरथ के सुदाम काटी में किया गया था। बैठक की अध्यक्षता पातलपुरी मठ के प्रमुख महंत बालकदास ने की थी। इस सभा में काशी के कई मठ पीठों और अखाड़े के प्रमुख पुजारी और धार्मिक नेताओं के साथ साथ कई दूसरे हिंदू संतों ने भाग लिया था। इस दौरान महंत बालकदास ने पत्रकारों से बात करते हुए जो बात कही उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया है। उन्हें साफ तौर पर कह दिया है कि 18 लाख से ज्यादा नागा साधु सड़क पर उतरेंगे और नुपुर शर्मा का जो विवाद चल रहा है उसमें नुपुर शर्मा का पूरा समर्थन देंगे। अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है। उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं। बीते दिनों संतों ने इस्लामिक कट्टरपंथियों की हिंसा के खिलाफ 16 प्रस्तावों को पास किया था। संतों ने एक सुर में कहा था कि भारत में किसी भी तरीके से तालिबानी मानसिकता को फैलने नहीं दिया जाएगा। धर्म परिषद में नूर शर्मा को रेप और हत्या की धमकी देने वालों को भी जेल भेजने की मांग की गई थी। अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है। उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं, प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, लोगों पत्थर फेंकने लगते हैं, घरों पत्थर फेंकने लगते हैं। ये कब तक आखिरकार अराजकता चलेगा? इसलिए अब इस पर जो जुम्मे की नमाज है उस पर तत्काल बैन करना चाहिए और वहाँ पर सीसी कैमरे लगा करके देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर आज संत समाज ने बैठक की है कि इस प्रकार की अराजकता होगी देश अशांत हो जाएगा और हम देश को अशांत नहीं करना चाहते। आपको बता दें, नागा साधु भगवान शिव के भक्त होते हैं जो हिमालय में निवास करते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की ओर से स्थापित किए गए अलग अलग अखाड़ों में रहने वाले ऐसे साधु नग्न होते हैं और शरीर पर धोनी की राख लपेट कर रखते हैं। कुंभ मेले में ये शाही स्नान के लिए एक साथ आते हैं। ऐसे में इनका ऐलान कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नुपुर शर्मा का विवाद अब पूरी तरीके से बढ़ने जरूर वाला है। जिस प्रकार से बलात्कार का धमकी दी जा रही बेटी के ऊपर, अगर किसी प्रकार का कुछ भी होता तो ये जान लीजिए फिर ये संत समाज शांत नहीं रहेगा। डेस्क रिपोर्ट अमन, वीके न्यूज। अभी आपने कानपुर में दंगा देखा, कल आपने इलाहाबाद में देखा, रांची में देखा, हर जगह इस प्रकार से मतलब क्या सिखाया जा रहा है। उस नमाज में, जुम्मा की नमाज में कौन सी चीज पढ़ाई जा रही है जो कि लोग बाहर आते ही बौखला जाते हैं और इस बार पत्थरबाजी करने लगते हैं।